राक्षस का जो जान है वो उसकी नाभि में है, तो गुजरात वो नाभि है कि अगर गुजरात हार गए तो पूरे देश से वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि वो गुजरात को बाय हुक और क्रुक जीतना चाहते हैं। ये बुड्ढी को क्या खिलाएंगे, राहुल गांधी जी के पास लड़कियां की कमी नहीं है। मोदी का काम यही है, झूठ बोलो, इतना झूठ फैलाओ कि पब्लिक सच मानने लगे। उसको फ्लाइंग किस दिख गए राहुल जी की, लेकिन गैस के बोतल के भाव बढ़े हुए वो नहीं देखे। मोदी जी जुमलेबाज है, झूठा है, जुमलावादी है, जुमलावाद। हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। राहुल जी ने जो फ्लाइंग किस दिया वो एक प्यार का गेस्टर, वो एक मोहब्बत का गेस्टर है ना। विकास जो है गड्ढे में गिरा, गुजरात की सड़कें बिल्कुल गड्ढेदार हो गई हैं। सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। 2024 में हम राहुल जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखें। राहुल जी आएंगे, राहुल गांधी। बहुत झूठे आदमी है, गुजरात में आके देखो, जितना गुजरात मॉडल बोलते उतना गुजरात मॉडल है नहीं। ये खड़ोदरा बना के रखा है सब। 15 लाख जनता के खाते में देने का और गुजरात में ब्लू ट्रेन लाने का। दो हजार चौबीस में हम ये पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस विल बी बैक, पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने का प्रयत्न करेंगे। क्यों आपको लोग चुनेंगे मतलब 2024 में? क्योंकि जनता खुद त्रस्त हो चुकी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से एजुकेशन फीस बढ़ गई, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह से महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज राष्ट्र का। तो डेफिनेटली वी विल बी बैक, जनता जाग चुकी है। महिला सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है। अगर महिला सुरक्षित है तो जो यूपी में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है या जो अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहा है, तो अगर ये सुरक्षा है तो फिर असुरक्षा किसे कहेंगे? महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है। तो अगर आप इसे सुरक्षित 2024 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? 2024 में हम राहुल जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। राहुल जी आएंगे, राहुल गांधी। राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं, जन नेता हैं। मोदी सच्चे नहीं है? मोदी जी जुमलेबाज है, झूठा है, जुमलावादी है, जुमलावाद। 15 लाख हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। हमको पूछो, हमको पता है गुजरात झूठे कैसे है। बहुत झूठे आदमी है, गुजरात में आके देखो, जितना गुजरात मॉडल बोलते उतना गुजरात मॉडल है नहीं। ये खड़ोदरा बना के रखा है सब जगह। क्या लग रहा है 24 में बदलाव देख रहे हैं? हमने तो बदलाव साबित कर दिया कर्नाटक में। कर्नाटक में तो हम जीत गए 2000 जीत जी। राहुल जी, आपके राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए फ्लाइंग किस झूठ है, फ्लाइंग किस का कोई वीडियो नहीं आया, उन्होंने राज्यपाल को किया था झूठ है। उन्होंने स्मृति ईरानी अपना ही चरित्र नहीं देखती, दूसरे को फ्लाइंग चीज देती। स्मृति ईरानी तो उनकी माँ जैसी हो, क्यों फ्लाइंग चीज देगी? वो तो झूठी है। राहुल जी ने जो फ्लाइंग किस दिया वो एक प्यार का गेस्टर था, वो एक मोहब्बत का गेस्टर था है ना। वो उन्होंने स्मृति जी को बिल्कुल फ्लाइंग किस किया, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। वो बिल्कुल निराधार आरोप लगा रही है। ये बुड्ढी को क्या फ्लाइंग किस, राहुल गांधी जी के पास लड़कियां की कमी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान फिर वो उनके सहेली के पति को, उनके सहेली के पति को वो ले लेती है। तो राहुल जी को बहुत स्मार्ट है, उनकी तो नजर बिगड़ेगी। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत नहीं अगर राहुल गांधी अगर ऐसा कुछ? देखिए राहुल जी ने जो किया वो एक लव का गेस्ट करेंगे? नहीं, मैं खोल के रखी है वो मोहब्बत की दुकान, खोल के रखी हो तो छोटे बच्चों को भी फ्लाइंग किस देते, तो क्या उसने अपने आप पे क्यों ले लिया? वो ये बेबुनियाद आरोप लगाया करी, इतनी भारत जोड़ो यात्रा करी, हर एक ज्ञाति के लोग उनके साथ जुड़े हैं। छोटे बच्चे, हर जनरेशन के, हर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उम्र वाले सभी के साथ मोहब्बत रही है उनकी। और कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं। बाकी मणिपुर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात। और मणिपुर के बारे में बोली है, वो कह रहे हैं कि राहुल जी मणिपुर गए थे वहाँ भड़का के आके दंगा। नहीं, वे बहुत झूठ बात है। और कुछ भी साबित करना हो तो गुजरात चले आइए, गुजरात को पता चल जाएगा। वो उनका काम क्या है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। मोदी का काम यही है, झूठ बोलो, इतना झूठ फैलाओ कि पब्लिक सच मानने लगे। ऐसे जो मोदी जो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाते, वो झूठ है सब। तो कह रहे जो बोला किया है? नहीं, 15 लाख कहाँ है? हमारे यहाँ अगला गया है विकास गांडो थयो छे। हम गुजरात में ही रह रहे हैं, फिर भी कुछ विकास नहीं है। वो दिल्ली में क्या थे? विकास
विकास जो है गड्ढे में गिरा और गुजरात की सड़कें बिल्कुल गड्ढेदार हो गई हैं। सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। गुजरात के लोग चुन क्यों रहे भाजपा को? ओ मशीन की गड़बड़ है, वो चुन नहीं रहे, मशीन की गड़बड़ है, मशीन की वजह है, मशीन से वजह है चुन रहे हैं। इनके साथ ले लो, मैं कर्नाटक से आ रही हूँ, बेंगलोर से, मैं खुद एक MLA कैंडिडेट हूँ, हम जितवा के लाए हैं कांग्रेस को वहाँ पे। और हमारा सवाल पूरी वीडियो खराब हो जाएगी। अब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ EVM का खेल है, लेकिन हाँ। राजस्थान में आपकी सरकार बनती है वहाँ EVM नहीं होती। मैं एक जगह एक स्टेट छोड़ने बड़ा बड़ा ओ छोटा इलेक्शन देते हैं और बड़ा बड़ा ले लेते हैं। देखिए गुजरात क्यों नहीं करते, तो करते हैं ना, पर हमारा कुछ। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगी, यदि आपको राक्षस को मारना है तो राक्षस का जो जान है वो उसकी नाभि में है, तो गुजरात वो नाभि है कि अगर गुजरात हार गए तो पूरे देश से वो निरस्त हो जाएगा, इसलिए वो गुजरात को बाय हुक और क्रूक जीतना चाहते हैं। आपके गुजरात ने तो भाजपा को चुना है? नहीं, वो मशीन की गड़बड़ है, भाजपा सब पब्लिक। गुजरात में, गुजरात में इलेक्शन को बहुत ही पोलराइज किया जाता है, बहुत ही अलग तरीके से वो लोग इलेक्शन को मैनेज करते हैं। जनता को जिस तरह से शराब और पैसे देकर बरगला कर वो वोट लेते हैं, ये एक जग जाहिर सी बात है गुजरात में। और ये मैं खुले आम मीडिया के सामने तथ्यात्मक आरोप लगा रही हूँ, कोई निराधार बात नहीं है। लेकिन क्यों आप लोग चुनेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को? राहुल गांधी आज जनता की बात करें, आज महंगाई, बीजेपी महंगाई का मुद्दा को महत्व, हर कास्ट को महत्व देते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं, इसलिए भारत का विकास इसी सबको मिला के रखने में। केवल कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति कर रही है, जनता के मुद्दों की राजनीति सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी का जो काम है हिंदू मुस्लिम ईसाई में, वो लोग सबको साथ सबका विकास नहीं। आपको लग रहा है क्या, आपको लग रहा है कि वादीवाद में लड़ा रहे हैं? ये बीजेपी की सरकार के पास और कोई मुद्दा नहीं रहा, इसीलिए वो कांग्रेस पे गलत आरोप लगा के ओनली फिर क्या जुमला, वो जो 15 लाख किसी के खाते, 15 लाख जनता के खाते में देने का, और गुजरात में ब्लू ट्रेन लाने का, और गुजरात में बहुत विकास हो रहा है, वो सब जुमला है, सब जुमला है। क्या महंगाई कम हो गई है, रोजगार मिल रहा है? क्या आपको लगता है महंगाई कम हो गई है? 200 रुपए टमाटर है, अदरक हरी मिर्ची सब्जियां सारी महंगी, गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था आज 1150 रुपए, जो गैस का बॉटल का फ्लाइन है उसको फ्लाइंग किस दिख गई राहुल जी की, लेकिन गैस के बॉटल के भाव बढ़े हुए, वो नहीं दल के लिए तो नीचे बैठ गए थे, तो अब तुम्हारा क्या हुआ? तो उसने 1000 रुपए नहीं लिखे। स्मृति ईरानी उसकी जो फ्रेंड है उसका पति को छीन सकती है, तो वो दुनिया का सबको छीन सकती है। चलो आखिरी सवाल, आखिर में कौन आ रहा है 2024 में? नहीं, प्रधानमंत्री तो राहुल जी।